हुए थे और क्या सोचा मैंने। भैया हम जयपुर गए हुए थे किसी काम के सिलसिले में, और मेरी मिसेस को मैंने बोला तू ससुराल में सोना, मैं 4-5 दिन से यहाँ था नहीं अजमेर में। तो ये रात को ही फिर ये घटना हो गई। इन्होंने मुझे सुबह फ़ोन करके बताया भाई चोरी तो ये हो गया है, सब कुछ गुमा, रो रही थी फ़ोन पे। तो सुबह मैं वहाँ से तुरंत निकला और अभी मैं पहुँचा तो देखा तो सब सामान ये गुम लगा पड़ा था यहाँ से, LED वगैरह, गैस की टंकी, वॉशिंग मशीन, अलमारी टूटी हुई है, बच्चों की पायल, मंगलसूत्र और इनकी अंगूठी, थोड़े बहुत कैश थे, बच्चों के गुल्लक थे, सब इन्होंने तोड़ फोड़ के गए हैं ये कहाँ पर मकान है आपका? अजयनगर में। किराए से रहते हाँ हैं? जी किराए से रहते हैं। एक मकान मालिक का रूम है, उन्होंने उनका भी रूम तोड़ा है, वो हमको दे रखा था भाई, ताला लगा हुआ था उनमें। क्या उनके क्या क्या लगे हुए? उनकी उनकी 4 गैस की टंकियाँ, 2 भरी हुई 2 खाली, एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी, ये मकान मालिक की गुम हुई है, उनकी अलमारी भी तोड़ के गए हैं। उसमें कोई और सोचा मिली कुछ? और उनके थोड़े बहुत, वो थोड़े बहुत बता रहे भाई सामान था उनकी मम्मी का है, उनको पता नहीं है क्या क्या गुम हुआ है इसमें से, अभी तक वो बता नहीं पा रहे हैं कितने का माल गया आपके लगभग? भाई। अब तो ये तो भाई LED थी मेरी 20-25 हज़ार की, तो खाली LED थी, और सेटअप बॉक्स वगैरह ले गए, और अंदर से जो ये मेरा था कैश था, बच्चों के थे, पायल थी 4-5 बच्चों की, अंगूठी थी, एक मंगलसूत्र था, कितने का माल होगा लगभग? लगभग कितने का में 1 लाख रुपए का माल होगा कम से कम। सामान था? पुलिस आई क्या? कौन थाने से आई पुलिस? रामगंज थाने से पुलिस आई तो आए थे वहाँ से, और वहाँ से वो फोटो वोटो खींच के गए। आपका नाम? दीपक।